गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 15 सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस में एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज नंबर ए फिल कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर बी सी डी ई और एफ फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी बी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखते हैं। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग गिवन प्रीफिक्सेस, मतलब आपको क्या करना है, आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं जो प्रीफिक्सेस आपको दी हुई हैं उनसे। ओके, तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको नए शब्द बनाने हैं। किसका, प्रीफिक्सेस का यूज करके, ठीक है, दी हुई प्रीफिक्सेस का यूज करके। तो देखिए पहली जो आपको प्रीफिक्सेस दी गई है वो क्या है, डिस। पहली प्रीफिक्स आपको क्या दी गई है, डिस, ठीक है। और यहां पर आपको कुछ शब्द दिए हैं तो आपको उनका यूज करके, डिस प्रीफिक्स का यूज करके और इन वर्ड्स को यूज करके एक नया शब्द बनाना है। जैसे कि मैंने डिस और काउंट का यूज करके एक नया वर्ड बनाया, क्या बनाया, डिस्काउंट, ठीक है। डिस का वो काउंट में हमने डिस लगा दिया तो एक हमारा नया शब्द बन गया, क्या बन गया, डिस्काउंट, है ना। जो आप लोग लेते हो जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, अगर डिस्काउंट चल रहा होता है तो आप ज्यादा कपड़े खरीद लेते हो ना, तो डिस्काउंट, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कंफर्ट। कंफर्ट आप जानते हो आरामदायक, ठीक है, कंफर्ट। अब कंफर्ट में अगर हम डिस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डिसकंफर्ट, क्या, डिसकंफर्ट, आरामदायक कंफर्ट, डिसकंफर्ट जिसमें हमको आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक नया शब्द बना, क्या बना, डिसकंफर्ट, ठीक है। अगला है एबिलिटी, क्या है, एबिलिटी, और एबिलिटी में अगर हमने डिस लगाया तो क्या हो गया, डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी, ठीक है। तो आपने डिस प्रीफिक्स का यूज करके तीन शब्द, न्यू शब्द बनाए, डिस्काउंट, डिसकंफर्ट और डिसएबिलिटी। अगली जो आपकी प्रीफिक्स है वो आपको दी है बी, क्या दी है, बी, बी का मतलब आप जानते हो होना। तो पहला है कम, कम का मतलब आप जानते हो आना, और उससे जो आपकी, आपका न्यू वर्ड बना वो क्या बना, बिकम। इसमें बी प्रीफिक्स जोड़कर एक नया शब्द बना, क्या बना, न्यू वर्ड क्या बना, बिकम। अगला था फ्रेंड, फ्रेंड में आपने बी जोड़ा तो क्या बना, बी फ्रेंड, क्या बना, बी फ्रेंड। थर्ड नंबर पर था फूल, और फूल में आपने बी जोड़ा तो क्या बना, बी फूल, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया है, तो यहां पर आपने क्या किया है, बी प्रीफिक्स का यूज करके तीन न्यू वर्ड बनाए हैं, बिकम, बी फ्रेंड और बी फूल। आपने कम के आगे बी लगाया, बिकम बन गया, फ्रेंड के आगे प्रीफिक्स बी लगाया तो बी फ्रेंड बन गया, और फूल के आगे बी प्रीफिक्स लगाया तो बी फूल बन गया। ओके, चलिए तो अब हमारा जो अगला प्रीफिक्स है वो है एन, ई एन, एन, ठीक है। और इसके लिए जो आपको शब्द दिए हैं वो करेज, एबल, सर्कल, करेज, एबल, सर्कल, आपको ये तीन शब्द दिए हैं और आपको इनके आगे अन प्रीफिक्स लगाकर नए शब्द बनाने हैं, न्यू वर्ड बनाने हैं। आपको जो यहाँ वर्ड दिए हैं आपको उनके आगे एन लगाकर न्यू वर्ड बनाने हैं। तो करेज के आगे, करेज के आगे अगर आपने ई एन लगाया तो क्या बना, एन करेज। करेज का मतलब भी साहस होता है और एन करेज का मतलब भी साहस होता है, किसी को साहस देना, एन करेज करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। करेज और एन करेज, एन करेज का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, मतलब किसी को साहस देना, ठीक है। तो करेज में आपने क्या लगाया बच्चों, एन लगाया तो क्या बन गया, एन करेज। एबल में आपने एन लगाया तो क्या बन गया, एनेबल, क्या बना, अनेबल, अनएबल, ठीक है। सर्कल में आपने एन लगाया तो क्या बना, एन सर्कल। अगला समझ आया आपको, इसमें समझ आया कि आपने कौन सी प्रीफिक्स का यूज किया है, एन, तो आपका शब्द बना एन करेज, एनेबल, एन सर्कल। आपके आपने यहां पर एन लगाकर थ्री न्यू वर्ड्स बनाए, एन करेज, एनेबल और एन सर्कल। अब जो आपको फोर्थ प्रीफिक्स दिया है वो है अन, और अन का यूज करके अब आपको
थ्री न्यू वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर जो आपको शब्द दिए हैं वो है यूज्ड, नोन और वाइज। यूज्ड का मतलब आप जानते हैं उपयोग किया हुआ, नोन जान पहचान वाला जिसको आप जानते हो पहचानते हो, वाइज बुद्धिमान। ठीक है, अब देखिए यूज्ड में अगर हमने अन लगाया तो क्या हो गया, अनयूज। क्या बन गया बच्चों, अनयूज्ड मतलब बिना उपयोग किया हुआ, अनयूज्ड। ठीक है, नोन में अगर हमने अन लगाया तो क्या बन गया, अननोन जिसे हम नहीं जानते हैं, अननोन मतलब अपरिचित जिसको हम पहचानते नहीं है वो अननोन है हमारे लिए। वाइज में अगर हमने अन लगाया तो क्या बन गया, अनवाइज मतलब जिसमें बुद्धिमान नहीं है, जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वो क्या है, अनवाइज है, और जो बुद्धिमान है वो वाइज है। तो आपने देखा यहां पर यूज्ड में हमने जब अन लगाया तो बना अनयूज्ड, नोन में जब हमने अन लगाया तो बना अननोन, वाइज में जब हमने अन लगाया तो क्या बना, अनवाइज। तो यूज्ड अनयूज्ड, नोन अननोन, वाइज अनवाइज। तो आपको समझ आया, तो आपको बी नंबर की एक्सरसाइज समझ आई। बी नंबर की एक्सरसाइज में हमको फोर प्रिफिक्सेस दिए हुए थे, डिस बी एन और अन, जिनसे हमको कुछ न्यू वर्ड बनाने थे। ओके, तो चलिए अब हम अपनी अगली जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। तो बी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वो क्या है, देखिए आप, राइट टू मोर वर्ड्स यूजिंग गिवन प्रिफिक्स। क्या है, राइट टू मोर वर्ड्स यूजिंग द गिवन प्रिफिक्सेस, मतलब आपको यहाँ जो प्रिफिक्सेस दिए हैं उनसे आपको दो नए शब्द बनाने हैं, दो न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो आपको कौन कौन सी प्रिफिक्सेस दी हैं यहाँ पर, इन अन इन मिस। तो पहले हम इन से शब्द बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द इन्होंने बना के दिखाया है, इम्पोलाइट। पोलाइट में इन जोड़ा तो क्या बन गया, इम्पोलाइट। ठीक है, मतलब इम्पोलाइट मतलब कम विनम्र। ठीक है, अब अगला है, हमने प्रॉपर में इम जोड़ा तो क्या बन गया, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। प्रॉपर का मतलब होता है उचित और इम्प्रॉपर मतलब अनुचित। ठीक है, अब हमने परफेक्ट में जब इम जोड़ा तो क्या बन गया, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आप जानते हो बिल्कुल परफेक्ट हो किसी काम में, और इम्परफेक्ट हो गया तो हमने इसमें जब इम जोड़ा तो क्या बना, इम्परफेक्ट। तो देखिए इम प्रिफिक्सेस से कौन कौन से शब्द बने, इम्प्रॉपर इम्परफेक्ट, इम्पोलाइट इम्प्रॉपर इम्परफेक्ट। अगला देखिए, अगला है अन। अगला आपका जो सेकंड नंबर का प्रिफिक्सेस है वो क्या है, अन। तो अन से आपने बनाया अनएबल, अनयूज्ड, अनहैप्पी। ठीक है, अनएबल जो योग्य नहीं है, अनयूज्ड क्या होता है बच्चों, जो चीज उपयोग नहीं की गई है, अनहैप्पी दुखी। तो यहां पर आपने यूज्ड में अन लगाया तो अनयूज्ड बन गया, हैप्पी में अन लगाया तो अनहैप्पी बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपको जो थर्ड नंबर पर प्रिफिक्स दी है वो है इन, इन गोइंग। इन्होंने आपको क्या बना के दिया है, इन गोइंग। फिर आपने बनाया इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट मतलब जो चीज करेक्ट करनी है आपको, इनकरेक्ट आपका सही नहीं है, इनकरेक्ट है मतलब गलत है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब आप जानते हो खुद पर निर्भर होना, इंडिपेंडेंट दूसरों पर निर्भर होना, इंडिपेंडेंट बनो मतलब निर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपने कौन कौन से बनाए, आपने इन लगाकर आपने कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनाए, इनकरेक्ट और इंडिपेंडेंट। करेक्ट में आपने इन लगाया तो आपका शब्द बना इनकरेक्ट, और डिपेंडेंट में आपने इन लगाया तो आपका न्यू वर्ड बना इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए अगला देखिए। अगली जो फोर्थ नंबर पर आपको जो प्रिफिक्सेस दी है वो है मिस, और मिस आपने बिहेव में जोड़ा तो क्या बन गया, मिस बिहेव मतलब दुर्व्यवहार। आपने मैच में जोड़ा तो बन गया मिस मैच। ठीक है, और आपने प्रिंट में जोड़ा तो बन गया मिस प्रिंट। ठीक है, तो आपने इससे क्या बनाया, मिस बिहेव, मिस मैच, मिस प्रिंट। तो आपको प्रिफिक्सेस जोड़ना आया कि आप प्रिफिक्सेस जोड़कर न्यू शब्द कैसे बना सकते हो, प्रिफिक्स को ऐड करके नए शब्द कैसे बना सकते हो। आपने बिहेव में मिस जोड़ा तो बना मिस बिहेव, मैच में मिस जोड़ा तो बना मिस मैच, और प्रिंट में मिस जोड़ा तो क्या बना बच्चों, मिस प्रिंट। चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो डी नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों,
Fill in the blanks with the words formed by adding prefixes to the words given in the bracket. मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनको उनका एक नया वर्ड बनाना है. किसका यूज करके? प्रीफिक्सेस का यूज करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं. जो भी आपको यहाँ वर्ड दिए हैं उसमें आपको प्रीफिक्स जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, एक शब्द बनाना है. ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है. सुशांत हैज जस्ट अराइव्ड एंड हैज नॉट इवन ब्लैंक हर सूटकेस. तो यहां पर जो आपको शब्द दिया है वो क्या है? पैक्ड. ठीक है, मतलब क्या है? सुशांत हैज जस्ट अराइव्ड, मतलब अभी पहुंचा, एंड हैज नॉट इवन ब्लैंक हर सूटकेस. तो यहां पर क्या आएगा? पैक्ड. पैक्ड हमको नहीं लगाना, उससे हमें एक नया शब्द बनाना है, एक नया शब्द फॉर्म्ड करना है, उसके बाद लिखना है. तो पैक्ड में हम अगर अन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? अन, तो बन जाएगा अनपैक्ड. तो यहां पर हमने क्या फिल किया है? अनपैक्ड. तो सुशांत हैज जस्ट अराइव्ड एंड हैज नॉट इवन अनपैक्ड हर सूटकेस. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या फिल किया है? अनपैक्ड. सेकेंड देखते हैं. ही लिव्स अ सिंपल लाइफ. ही लिव्स अ सिंपल लाइफ एंड हिज हैबिट आर ब्लैंक. मतलब वह बहुत सिंपल लाइफ जीता है और उसकी आदतें कैसी हैं? बहुत एक्सपेंसिव हैं. अब आपको इसको एक्सपेंसिव को आपको इसको प्रीफिक्स लगाकर एक नया वर्ड फॉर्म करना है, तो आप क्या बनाएंगे? इन एक्सपेंसिव. तो यहां पर आप क्या लगाएंगे बच्चों? इन लगाएंगे. कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे आप यहां पर? इन. ठीक है, तो क्या हो गया? इन एक्सपेंसिव. मतलब क्या हुआ बच्चों, बताइए? ही लिव्स अ सिंपल लाइफ एंड हिज हैबिट आर कैसी? इनएक्सपेंसिव. मतलब वह एक साधारण जीवन जीता है और उसकी आदतें सस्ती हैं. उसकी आदतें कैसी हैं? सस्ती हैं. चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का क्या है. द मॉर्निंग वॉज ब्राइट एंड सनी. मतलब सुबह चमकीली और रोशनीदार थी. एंड सो दिस हैवी शावर वॉज एक्सपेक्टेड. इसीलिए भारी बौछार कैसी थी? एक्सपेक्टेड थी. पर बच्चों यहां पर हमको एक न्यू वर्ड फॉर्म्ड करना है, तो हमने यहां पर अन लगाकर एक्सपेक्टेड में अन लगाया तो बन गया अनएक्सपेक्टेड. आज मौसम बहुत साफ और मतलब अच्छा था, साफ और रोशनीदार था, इसीलिए भारी बारिश अनएक्सपेक्टेड थी. मतलब इसीलिए भारी बारिश कैसी थी? अनएक्सपेक्टेड थी, अचानक हो गई. तो इसीलिए हमने यहां पर कौन सा वर्ड लगाया है? अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड में अन लगाया तो क्या बन गया? अनएक्सपेक्टेड. चलिए फोर्थ नंबर का देखिए. तो फोर्थ नंबर का क्या है? द कुकिंग ऑयल वॉज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी ब्लैंक. तो यहां पर आपको जो वर्ड दिया है वो है प्योर, मतलब शुद्ध. ठीक है, और उसका आपको क्या बनाना है? एक नया शब्द फॉर्म्ड करना है उससे आपको. तो आपने उसमें इम जोड़ा. क्या जोड़ा बच्चों? इम. तो एक नया वर्ड बन गया इम्प्योर. ठीक है, अशुद्ध. क्या बन गया? अशुद्ध. तो द कुकिंग ऑयल वॉज टेस्टेड, मतलब कुकिंग ऑयल का टेस्ट हुआ, इट फाउंड टू बी इम्प्योर. तब वो कैसा निकला? और वो अशुद्ध पाया. जब कुकिंग ऑयल का टेस्ट हुआ तब वो कैसा पाया बच्चों? अशुद्ध पाया. ठीक है, अगला देखते हैं. इट इज ब्लैंक टू आस्क आनंद टू डू सो मैनी थिंग्स इन सच अ शॉर्ट टाइम. तो यहां पर आपको जो वर्ड दिया है वो है फेयर. फेयर का मतलब तो आप जानते हो, उचित. तो यहां पर मैंने अन लगाया अन, और उससे जो वर्ड बना वो बना अनफेयर, मतलब अनुचित. क्या बना? अनुचित. तो इट इज अनफेयर टू आस्क, मतलब यह पूछना अनुचित होगा, अनुचित है. आनंद टू डू सो मैनी थिंग्स. आनंद टू डू सो मैनी थिंग्स सच अ शॉर्ट टाइम. मतलब आनंद से यह पूछना बहुत अनफेयर होगा कि उसने कई सारी चीजें इतने छोटे समय में कैसे की. तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा बच्चों? अनफेयर.
तो फेयर उचित और अनफेयर अनुचित। तो यहां पर आपने फेयर से एक नया वर्ड फॉर्म किया जो कि क्या है, अनफेयर। ठीक है, तो आपको डी नंबर की एक्सरसाइज समझ आई। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो ई नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, टर्न द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू देयर एडवर्ब्स। आपको जो एडजेक्टिव्स दिए हैं उनसे आपको क्या बनानी है, एडवर्ब में बदलना है उनको। तो स्पीड का क्या हुआ, स्पीडली, एस पी डबल ई डी एल वाई। लेजी का क्या हुआ, लेजीली। आपको बता है वाई को हटाकर हम क्या कर देते हैं, आई, तो एल ए जेड आई एल वाई, लेजीली। कॉजी का क्या हुआ, कॉजली। कॉजी का क्या हुआ बच्चों, कॉजली। ठीक है, कॉजी कॉजली। अगला देखते हैं। तो एफ नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, टर्न द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू देयर एडवर्ब्स। यहां जो एडजेक्टिव दिए हैं उनको आपको एडवर्ब में चेंज करना है। तो एबल का क्या हुआ, एबली। एबल का मतलब आप जानते हो योग्य, प्रवीण। अब एबली योग्यता से। अगला है प्रोबेबल, तो प्रोबेबल का हुआ प्रोबेबली। सिंगल, सिंगल का क्या हुआ, सिंगली। ठीक है, तो आपको चैप्टर 15 की एक्सरसाइजेस समझ आए, बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 15 की एक्सरसाइज नंबर बी सी डी ई एंड एफ अपनी इंग्लिश ग्रामर की पेन नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 16 की एक्सरसाइजेस समझ आ गई, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।